क्या बात है, what a lovely melodious performance that was. With that, he set the mood for our next category of awards in Na Real Awards. मेरे co-host कहीं नजर नहीं आ रहे मुझे. अच्छा आ रहे. अच्छा माइक के इंतजार में. सर आपका माइक आ गया है, आप भी आ जाइए. हमारे co-host के बिना हमें ऐसे अधूरा अधूरा लगता है. बिल्कुल, मुझे भी वहाँ पे चैन बिल्कुल नहीं आ रहा था. मैं क्या बात, मतलब कितना सफाई से झूठ भी बोल लेते हो. आस्था अवार्ड मिला है सर. बोलने में क्या जाता है. हाँ वही मैं कहा, ना रियल, ना रियल अवार्ड इनको एकदम परफेक्टली मिला है. दे दिया आपने. वेल ऑन दैट नोट हम हमारे अगले कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं. बिल्कुल है ना. और इस कैटेगरी में अवार्ड देने के लिए हम बुलाना चाहेंगे सुशांत जी को. ओहो स्वामी, स्वामी आइए सर प्लीज. अगर आप जोरदार तालियां बजाइए, अगले कैटेगरी के अवार्ड सुशांत जी देंगे. वेरी वॉर्म वेलकम सर. चलिए अभी डीले नहीं करेंगे, हम अगली कैटेगरी की ओर बढ़ेंगे. और जो कैटेगरी का नाम है वो है हम साथ साथ है अवार्ड. क्या बात है. या कोई गैसेस लेना चाहेगा. हाँ लॉरेल एंड हार्डी. कहाँ है लॉरेल एंड हार्डी. अरे हार्डी तो मुझे मालूम है, मेरे ख्याल से लॉरेल का है. आज भी बाजू बाजू में ही बैठे, साथ साथ ही है. आए हाय मुझे भी बहुत उत्सुकता है देखने. और अवार्ड ज्यादा है प्रणील एंड हनु. करेक्ट. मैचिंग कलर भी पहन के आया. क्या मतलब. आपकी तालियों का साथ मिले तो क्या बात. कम ऑन एवरीबॉडी. सर प्लीज मैं जानना चाहूंगी कि ये अवार्ड जूरी ने इन्हें क्यों दिया गया है. मतलब ये चिपके हुए रहते हैं हमेशा, इनका बॉन्ड फेविकॉल का जोड़ है, टूटता ही नहीं है. टूटता ही नहीं है, जहां मतलब जाते हैं घूमते. क्या है इसका रहस्य, क्या है अनु जी. हमारे लीडर ने हमको सिखाया टीम के साथ रहने का हमेशा. अच्छा मतलब हर एक एक एक, एक, एक ही सवाल, छोटा सा सवाल है जी. है ना, वो सब जगह साथ जाते हो. नहीं नहीं मेरा मतलब है एक केबिन से दूसरे केबिन फिर घर ऐसे. सर गलत समझ रहे हो, सोच गलत. जहां सोच वहां आजकल कुछ अलग ही होता है, कुछ और ही होता है ना. बट कांग्रेचुलेशंस दोनों को, हमेशा साथ साथ रहिए है ना. जिधर साथ जाना है उधर ही साथ जाइए. और गॉड ब्लेस यू बोथ. आपने आज जो टिप्पणी की है उस पर हम वक्तव्य बाद में करेंगे. कल मिलेंगे आप आश्रम में, आपको तुरंत मोक्ष दे दिया जाएगा. अच्छा ये लीडर यही है जी. बिल्कुल. ओ तो मैं समझ रही थी लीडर हमारे सुशांत जी है. ओए तुम समझ मेरी गलत. सर ये आपके आश्रम में तो विजिट मारना ही पड़ेगा आपको. इस फिल्म का डायरेक्टर मैं ही हूँ. फिल्म के डायरेक्टर भी आप. चला जाइए, मिलते हैं फुर्सत में. चलिए ऑन दैट एक्साइटिंग नोट लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कैटेगरी. नहीं नहीं ठहरिए सुशांत जी, क्या हो गया सर, अवार्ड नहीं देना आपको. नहीं ऐसे कोई बात नहीं. चलिए नेक्स्ट अवार्ड तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, जवानी दीवानी अवार्ड. हाय हाय क्या मतलब. सर ये अवार्ड के जो विनर है उन्हें हम अभी स्टेज पर बुलाएंगे जोरदार तालियों से. नाम भी हमें ऐसे ही दिया है, शीला ताई. जवानी दीवानी अवार्ड. ये वॉक भी करके गई थी, आपने देखा होगा. हाँ हाँ बिल्कुल, फैशन शो में. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चुपचाप से शर्मा के आई. बिल्कुल चुपचाप से वहां से कल्टी भी मार ली थी इन्होंने. शीला ताई आपको नारियल अवार्ड दिया जाता है. अभी मैं इनसे कुछ प्रश्न करूँ. कुछ प्रश्न आप प्लीज कीजिए. शीला ताई आपको कैसे लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. किस बात पे अच्छा लग रहा है. मैं तो कभी स्टेज पे आती नहीं, लेकिन इस बार आई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पहली बार, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है. और कैटेगरी तो सुनिए आपकी, जवानी दीवानी, इसका क्या मतलब निकालेंगे आप. अभी हर लोग मुझे, मतलब जो गाना है ना उसी नाम से बहुत सारे लोग मुझे मतलब चिढ़ाते हैं मतलब. नहीं लेकिन ये राज क्या है शीला ताई. ये मैं परिवार में नहीं हूँ तो ये मैं जानती नहीं हूँ. मतलब
क्या उम्दा आपने वॉक किया, बड़ा बड़ा बहुत ही अच्छा लगा मुझे, लेकिन ये जवानी दीवानी का कुछ किस्सा मेरे को समझ नहीं आया। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, बेचारी कितनी शर्मा रही है यार, ये हमारी जूरी खतरनाक लग रही है। हाँ जी हाँ जी, एक्चुअली है वो मानना नहीं चाहती, बट आई थिंक हमारे पूरे ऑफिस में जितना भागदौड़ वो करती हैं, जिस एज में वो हैं और जिस हम लोग जिस एज में हैं, काफी डिफरेंस है। और मैंने उनको करीबन 3.5 साल से देखा है। okay. मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि मैंने शीला ताई को कुछ काम बोला हो और मुझे चाहिए और उन्होंने ना किया हो। और जितना वो भागती हैं, जरूरत से ज्यादा, सुबह 9 बजे से लेके रात के शाम के 6:30 बजे तक, 7 बजे तक, वो शायद ही बहुत कम लोग इस उम्र में घर संभालते हुए, क्या बात है, अपने घर को संभालते हुए, ऑफिस को संभालते हुए, क्या बात है। और वो हमारी फैमिली है, वो कभी भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए इसी बात पे। वेल, आपने उम्र का जिक्र किया तो मैं बताना चाहूंगी कि दिल का उम्र से कोई वास्ता नहीं होता है ना, तो दिल जवान, द जवानी दीवानी अवार्ड, क्या बात है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले कैटेगरी की ओर। नाम तो बड़ा खतरनाक है, अभी जो विनर है उन्हें मैं जरूर देखना चाहूंगी। ठकुरायन अवार्ड, आय हाय, एनी गेसेस। ठकुरायन बोले तो सब डरते हैं। हाँ डरते हैं, आवाज नहीं हो रहा है कहीं। हाँ मतलब क्या बात है, जरा जरा थोड़ा सा लाइट दीजिए उनपे। ये कविता जी है, मिस शर्मिली, शर्मिली जी, सरिता जी को बड़ा खुशी खुशी, कुछ बहुत डांटती है आपको? बिल्कुल भी नहीं, फिर क्यों ठकुरायन बोल रहे हो यार बेचारी को? हाँ हाँ so sweet, but ladies and gentlemen, on a lighter note, the Thakurayan award goes to Sarita ji. चलिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। क्या है ठकुरायन? अरे आइए आइए आइए, मतलब उन्हें उन्हें स्टेज पर आ जाने दीजिए, फिर हम वार्तालाप करेंगे। बिल्कुल है ना ये, लेकिन इनसे संभाल के, ये एडवोकेट है। अच्छा एडवोकेट है जी, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। ओह तभी सर, मैं सोचूं, मतलब अभी अभी मैंने फटाक से प्रश्न भी चेंज कर लिया, पूछना कुछ और था, पूछूंगी कुछ और। लीगल लेडी, ठकुरायन अवार्ड गोज टू सरिता पाटिल। जी आप उनसे कुछ प्रश्न? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप कहाँ भाग रही हैं? आप यहाँ रुकिए, हम डरेंगे नहीं, इसीलिए मैंने इतना डिस्टेंस क्रॉस क्रॉस। हाँ मतलब मैं अभी सवाल पूछूंगी आप, हाँ आपको क्यों ऐसे लगता है कि आपको ठकुरायन अवार्ड दिया गया है? जनता जानना चाहती है ये सवाल का जवाब। मुझे एक्चुअली पूछना है। अरे बाप, मतलब आपके पास देख के तो लगता नहीं यार, बेचारी डांटती भी होगी, कितनी प्यारी मुस्कान है उनकी, है ना। हाँ दिस्त तस नस्त म्हणून जग फस्त। पर मैम कैसे लग रहा है आपको ये अवार्ड दिए जाने पर? अच्छा लग रहा है, वो कह रही बाद में जूरी को देखती हूँ, अभी तो फिलहाल अच्छा ही बोलूंगी, बट कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू फॉर बीइंग सो स्पॉटिंग। उसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले कैटेगरी की ओर, और वो है, अरे बाप रे, वक्त का पाबंद। ये मैं हो ही नहीं सकता मैं भी नहीं हो सकती, ये मतलब मैं, ये मेरे बस के बाहर है, मतलब वक्त का पाबंद। और एनी गेसेस? अरे क्या यार, आप लोग आपके परिवार को बहुत ही अच्छे से जानते हो। यस, द अवार्ड गोज टू उपेंद्र जी। नॉट अवेलेबल, बाप रे, अवेलेबिलिटी पे पहुंच गए वक्त के पाबंद है, कोई और वक्त दिया होगा उन्होंने। हाँ जरूर कोई और वक्त है, तो ठीक है, उनके उनके बिहाफ पे कोई उनकी टीम से ये अवार्ड ले ले। शिवगत उनके टीम से है, और वक्त के पाबंदी का अवार्ड उपेंद्र जी की तरफ से ये स्वीकार कर रहे हैं। शिवगत आपको कुछ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वक्त के पाबंद जो है वो वहां पे बैठे हैं, तो आपको कुछ कहना है लेकिन उनके बारे में? उनके क्लाइंट आए हैं और वो क्लोजर के लिए गए। क्या बात है, तो मैं चाहता हूं कि हम जब तक ये शाम खत्म करें तब तक एक चेक यहाँ पे फ्लैश करें हम। I'll be eagerly waiting for that moment to come. Thank you very much, Sibgat. Thank you so much. उसी के साथ अगले category, which is one man one army. मतलब
और शायद कॉम्पिटिशन काफी टफ रही है हमारे जूरी के लिए. तो इस कैटेगरी में दो विनर्स है एंड द अवार्ड विनर्स इन वन मैन वन आर्मी गोज टू विनोद सावलगी एंड चंदन राव पंडित. चंदन बाबू आ जाइए. काफी गंभीर दिख रहे हैं तो इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? आप प्रश्न करना चाहेंगे इनको? ये वन मैन आर्मी मतलब ऐसे लग रहा है जैसे ना अभी मारेंगे सबको पकड़ के. जी ऐसा ही लग रहा है कुछ तो इनकी शक्ल से. ऐसे क्या मतलब आप किसी से झगड़ा तो नहीं करके आए ना सर? नहीं आर्मी का अवार्ड दिया गया है, आर्मी के जैसा बिहेव करना बहुत जरूरी नहीं है. तो आपको कैसा लग रहा है? हमको तो हमेशा अच्छा लगता है. हमेशा की बात नहीं है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ. अभी भी अच्छा लग रहा है. क्यों? आर्मी तो दो क्यों की हो गई. नहीं वो इसलिए खुश हो रहे नारियल के पास देख रहे हैं, अब घर जाके चटनी बनाऊंगा मैं. हाँ प्रोडक्टिविटी, आप प्रोडक्टिविटी की सोच रखते हो. बहुत तरक्की करोगे चंदन मिया. आपको क्या लग रहा है विनोद जी? ठीक लग रहा है. क्या ठीक लग रहा है? अच्छा लगना चाहिए. अच्छा लग रहा है. अभी मैं बोलने के बाद बोल रहे हैं आप, तो गुरु को फॉलो करना चाहिए. नहीं गुरु मैं नहीं हूँ, गुरु क्या बात है. सब आश्रम में एडमिशन दे रहे हैं यार. आश्रम में मतलब मैं बोल रही हूँ सबको, आपकी आप ही के आश्रम की जरूरत है. ये ठीक नहीं हो रहा है. हाँ अभी सूझा हो ना आश्रम जो है ना. हाँ वो नंबर वन करेगा. अच्छा नंबर वन करेगा. हाँ, क्योंकि नॉमिनीज बहुत आ रहे हैं. अच्छा. बहुत सारे लिस्ट वेटिंग में जाएगी जो. हाँ. इन्होंने कहा था पहले कि क्या बात है सीट्स बहुत है लेकिन अब वेटिंग जाएगी. अच्छा मतलब ये सही काम करते क्या? ये आपका पीआर तो नहीं करते? अभी पता नहीं ये कुछ अलग बट कंग्रेचुलेशन दोनों को. एंड चंदन चटनी बना के पहुंचा देना घर पे है ना. किसी के सर पे मत फोड़ना. अच्छा लास्ट जो हमारी कैटेगरी है बहुत ही एक्साइटिंग है और सूट्स ऑल द एलिजिबल गर्ल्स द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ ग्रुप एक्सलेंस. माय गॉड द मोस्ट एलिजिबल बैचलर. कम ऑन एनी गेसेस? एनी गेसेस? वेल अनडाउटली गोज टू मिस्टर सुनील नायर. Eligible bachelor, oh my god, क्या बात है. सबके होश उड़ गए eligible bachelor को देख के. अन्ना स्वामी आपको क्या लग रहा है? Wow. मैंने ये अवार्ड मिलने के बाद जितने भी रजिस्ट्रेशन है मेरे simply married and other भारत मैट्रिमोनी सब में मैं निकाल रहा अपना. It's great man. ये नारियल की चटनी बनेगी. ये चटनी बनेगी सर? अच्छा दोसे के साथ? हाँ या वंडरफुल. बट सर ये एलिजिबिलिटी का क्या फंडा है? मतलब ये मोस्ट एलिजिबल बैचलर आपको कैसे मतलब? आप सिंगल हैं? हां यू आर सिंगल. ओह माय गॉड दैट्स सच अ रॉन्ग क्वेश्चन सर. कैन वी मीट आफ्टर द शो? यस परफेक्ट. बट अभी समझ आया कि इनको मोस्ट एलिजिबल बैचलर का अवार्ड क्यों दिया गया है. बट कांग्रेचुलेशंस सर, थैंक यू फॉर बीइंग सो स्पॉटिंग. थैंक यू सुशांत जी फॉर डूइंग द ऑनर्स. थैंक यू वेरी मच. और उसी के साथ हमारे अगले एंटरटेनमेंट प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं. एक स्पेशल धमाकेदार डांस होने वाला है. बिल्कुल टीम ध्यास की ओर से और तैयारियां जोरों शोरों से मैंने देखी है होते वक्त. बिल्कुल तैयार है ही वो. तैयार है ही ना? तैयार है. चलिए ऑडियंस आप तैयार है? यस सो कम ऑन लेट्स एंजॉय योर सुपर डुपर रॉकिंग डांस.
Okay, is team Dhyas getting ready or is ready? चलिए तैयार है वो लोग. क्या बात है, मैं उधर से देख रही थी, दो मिनट समझ ही नहीं है क्या हुआ, मतलब तोड़ो फोड़ो परफॉर्मेंस है एकदम, है ना. क्या आपने तो बहुत एंजॉय किया. रैपचिक सर, आपका नाम बताइए जरा. हाँ सॉरी आई डिडंट गेट. प्रशांत जी, आप रणवीर के वर्ड बड़े फैन लग रहे हैं मेरे को. मुच्छी से नहीं ना, अभी छोटी, अभी बढ़नी है, मतलब रुतबा आपका थोड़ा बढ़े फिर. अच्छा तो अगले साल तक हम उसका इंतजार करेंगे, बट चलिए अभी एक छोटा सा गेम हो जाए. अभी प्रशांत जी आ जाइए स्टेज पर, आ जाइए. आप ही के साथ मेरे को तीन लोग चाहिए, तीन जो एकदम हट्टे कट्टे बंदे हैं आपके ऑफिस के. प्रशांत आपकी टीम आ सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, बट जरा एकदम स्ट्रॉन्ग बंदे चाहिए उनके. ये सब स्ट्रॉन्ग ही स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ही स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल. हाँ मतलब चलिए क्या बात है. 1 2 3 एंड आई वांट वन मोर, सो फोर पीपल. कम वन मोर, या वन मोर, 3 एंड प्लस 1 नाउ, सो फोर. हु इज दैट? आ जाओ श्रीपत, आ जाओ. कौन के? अच्छा चलिए, सो 1 2 3 4 चार ही चाहिए, चार. अच्छा आपका कोको,
आए हाय भाई, कितना कितनी यूनिटी है। चलिए अभी अपना नाम बताइए। कनिष्को। कुलदीप। प्रशांत। सिबगत। सिबगत क्या मतलब, इस नाम का मतलब क्या है सर? नहीं पता। पता है, बताइए जरा। बहुत ही यूनिक नाम है आपका, इसीलिए पूछा। ये जो नाम है ये एक्चुअली अरबी नाम है, और कुरान जो है उसके अंदर ये वर्ड आया हुआ है, और इसका मीनिंग है कि खुदा जो है, खुदा को सबसे फेवरेट फल जन्नत के अंदर, जिसका नाम सिबगत है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही यूनिक नाम जो कभी सुना नहीं। और आप लोग आपके टास्क के लिए तैयार है? यस ओके, कम ऑन, ओपन अप। आपके सेहत का हम ख्याल रखेंगे, तो आपके लिए मैं डाइट कोक लेके आई हूँ, ठीक है? खोलना नहीं है, बॉटल खोलना नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे आ जाइए, बिल्कुल खोलना नहीं। हाँ थैंक यू, नो लिटरिंग ही इज फॉलोइंग। तो प्लास्टिक मेरे हाथ में दे दिया है। अच्छा अभी ये चैलेंज है, ठीक है, फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन माइंड। ये बेसिकली रियलिटी शो में होता है, ठीक है? तो हमने MTV का जो एग्जैक्ट मॉड्यूल यहाँ पर रेप्लीकेट कर